हेलो हाय गाइस, वी गॉट 30 डेज रिमेनिंग फॉर द कैट एग्जाम, सो वी हैव मोर टाइम, बट मैं 30 डेज रूम करके चल रहा हूँ कि लेट्स क्लियर द कट ऑफ इन 30 डेज. टारगेट इज मिनिमम 80% टाइम, बट ऑन द गुड नोट लेट्स टारगेट 90% टाइम. अगर आपने क्वांट सेक्शन में 90% टाइम टच कर दिया, यू विल क्लियर द कट ऑफ फॉर ऑल द आईएम्स, यू विल क्लियर द कट ऑफ फॉर एवरीथिंग. या ऑफकोर्स यू टू डू मोर देन दैट, बट मिनिमम 90% टाइम चाहिए जिसका वीक एरिया, या जिसका मैथ स्ट्रांग है तो 99.99 मारना यार. जिसका गरीब आदमी है, जिसका मैथ्स वीक है, वो क्या करे? तो उसके लिए आपको मिनिमम 90% टाइल, 80% टाइल पार करना ही पड़ेगा. सो टू क्लियर द 80% टाइल, यार 80% मतलब पता कितना है? 12 मार्क्स. 12 नंबर लिया मतलब 4 क्वेश्चन करेक्ट. मैं अगर 7 अटेम्प्ट करूँ, इक्का दुक्का रॉन्ग भी हो जाए, तो भी आई एम गेटिंग 4 क्वेश्चन करेक्ट नेट, इज योर 80% टाइल. एंड 90% टाइल ये मेरे सामने डेटा है पूरा, इज 18 मार्क्स. सो इफ यू कैन गेट 18 मार्क्स, 6 क्वेश्चन करेक्ट, यू गेटिंग 90% टाइल. वेदर यू स्टडी सामने चिपका दो गरीब आदमी के लिए, 4 क्वेश्चन करेक्ट फर्स्ट टारगेट, 6 क्वेश्चन करेक्ट सेकेंड टारगेट, उसके ऊपर तो वो जितना जाना जा भाई, 90% टाइम पार कर दे. ठीक है, लाइक योर डैड, यार डैड बोलता भैया तू नौकरी ले ले भाई, तू बस नौकरी करना शुरू कर. कहाँ करनी है तू साला, MNC में करना है, ये करना है, वो करना है, वो तेरे ऊपर है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट्स अ टिपिकल डैड का स्टेटमेंट. सो सेम वे 6 क्वेश्चन पार करना है जो टारगेट, 18 मार्क्स, 20 मार्क्स जो टारगेट, उसके ऊपर तो वो जितना लाना लाना यार. तू टॉपर है, तू 99.99 मारना, 20 का 20 ठीक करके आ, मैं खुद तेरे को तेरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट के हाउ टू डू दैट, देर आर 5 टॉपिक्स इन द कैट एग्जाम, 6 टॉपिक जो आपको करने ही करने हैं, आराम से तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो सकती है इफ यू डू दिस 6 टॉपिक्स. या नंबर 1 इज परसेंटेजेस. तो जो मर्जी कर ले भाई, कैट में 2 से 3 क्वेश्चन परसेंट का आना ही आना है. परसेंटेजेस इंक्लूड, परसेंटेजेस इंक्लूड इंटरेस्ट आल्सो, बिकॉज इंटरेस्ट आल्सो इंक्लूड परसेंट का, इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो, ये सब जोड़ के कम एज पार्ट ऑफ परसेंटेजेस. 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज का आएगा ही आएगा, एंड एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 इज ऑलवेज ईजी एंड डूएबल, तो वो तो कर. नंबर 1 परसेंटेज. नंबर 2 रेशियोज, अगेन 1 to 2 क्वेश्चन एवरी ईयर द कैट एग्जाम इज बेस्ड ऑन रेशियोज. नंबर 3 एवरेजेस एंड मिक्सचर्स. ठीक है, ये तीनों टॉपिक अर्थमेटिक आ गया, परसेंटेजेस रेशियोज एंड एवरेज मिक्सचर्स. एवरेज मिक्सचर कंबाइन करके मैं एक ही टॉपिक बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को एक ही दिखता है. तुम लोग सारा उसको 2 चैप्टर करके बुक में डालते बोलो, लेकिन मुझे एक ही चैप्टर दिखता है वो. नंबर 4, नाउ मूविंग टू द मॉडर्न मैथ्स इज फंक्शन ग्राफ. जितना घटिया दिखता है ना, उतना घटिया है नहीं यार. 2 क्वेश्चन आएगा हर साल कैट में, एक ईजी, एक थोड़ा सा टेढ़ा आएगा. टेढ़ा छोड़ दे, ईजी तो करेंगे अपन. सो फंक्शन ग्राफ नंबर 4, लॉग्स नंबर 5. लॉगरिदम मेरा फेवरेट टॉपिक है यार, बिकॉज पब्लिक देख के भाग जाती है, एंड बिकॉज पीपल हेट द टॉपिक, आई लव द टॉपिक. लॉगरिदम 2 क्वेश्चन आएगा, एक प्योरली बेस्ड ऑन लॉग, इजी टू सॉल्व. एक लॉग्स विद APGP, लॉग विद समथिंग एल्स, वो थोड़ा भारी जाता है. सो लॉग्स. एंड नेक्स्ट इज APGP सीरीज. एवरी ईयर एवरी एग्जाम 1 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन APGP सीरीज. सो इफ यू कैन डू APGP सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री कॉनिक ज्योमेट्री, तीनों में से अगेन 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा. APGP, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, सो द 3 टॉपिक्स विच आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मैथ्स, अर्थमेटिक, एंड 3 टॉपिक बेस्ड ऑन मॉडर्न मैथ्स. लास्ट टॉपिक ऑन माई लिस्ट इज मेंसुरेशन. सिर्फ मेंसुरेशन फॉर्मूले करके जाओ यार. हर साल कैट में 2 क्वेश्चन आता ही आता है विच आर बेस्ड ऑन एरिया और वॉल्यूम. फाइन, इफ यू कैन डू दिस 7 टॉपिक्स, टोटल मैंने अभी 10-11 कर दिए, बट टोटल आई एम कंबाइनिंग देम इनटू 7 टॉपिक. दिस 7 टॉपिक कंबाइंड इज मोर देन सफिशियंट टू क्लियर एनी कट ऑफ. आप ओपन के हो, आप रिजर्वेशन वाले हो, कोई भी हो, एक कट ऑफ आराम से कर सकता है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट 30 डेज फोकस ऑन दी टॉपिक. टाइम एंड वर्क, टाइम शुड डिस्टेंस, नंबर सब इंपॉर्टेंट है, नॉट सी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो तुम्हारी ऐसी जान निकालेगा ना फॉर गरीब बच्चा कि उसको प्रॉब्लम आने ही वाला है. तो इससे अच्छा वो भी करेंगे, पहले ये तो खत्म कर. ठीक है, सो परसेंटेजेस, रेशियोज, एवरेज मिक्सचर्स, फंक्शन ग्राफ, लॉग्स, APGP, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड लास्ट टॉपिक मेंसुरेशन. बस ये 7 टॉपिक करके जाओ, कट ऑफ क्लियर करके आओगे. ऑल द बेस्ट.